नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी रिजॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरूप, आपका दोस्त, लेके हाजिर हूं आपके पास फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आजकल ऑनलाइन पेमेंट यानी डिजिटल पेमेंट तो हम सभी करते हैं। यहां पर जब हम किसी दुकान में जाते हैं तो अपना सामान खरीदने के बाद हम अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दुकानदार को देते हैं और उनके स्वैप मशीन में स्वैप करके हम अपना पेमेंट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब हम ऑनलाइन किसी सामान की परचेज करते हैं तो वहाँ पर पेमेंट गेटवे में हम अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे के पेमेंट करते हैं और वो सामान खरीद लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर क्या आपको एग्जैक्टली पता है कि जब हम अपने ऑनलाइन कार्ड डिटेल देते हैं या फिर किसी स्वैप मशीन में कार्ड को स्वैप करते हैं तो हमारी कार्ड की इंफॉर्मेशन कहां कहां ट्रेवल करती है, जिसके बाद हमें एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन देखने को मिलता है। अगर आपको नहीं पता है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कैसे एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप टेक्नोलॉजी रिजॉर्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि टेक्नोलॉजी रिजॉर्ट में आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों, हमारा जो कार्ड होता है यानी डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, वो किसी न किसी बैंक से हमें इशू करवाना होता है। यहाँ पर जब हम वो कार्ड इशू करवा लेते हैं, उसके बाद जब हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, सामान खरीदते हैं और उसके बाद फिर हम पेमेंट के लिए अपना कार्ड उन्हें देते हैं, तो दुकानदार का भी किसी न किसी बैंक में अकाउंट होगा जिस अकाउंट के साथ उनका स्वैप मशीन यानी पॉस मशीन लिंक होता है। तो जैसे हम अपना कार्ड देते हैं दुकानदार को, दुकानदार उस कार्ड को इंसर्ट करता है उस पॉस मशीन में। पॉस मशीन हमारे कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, जैसे हमारे कार्ड की क्या नंबर है, कार्ड का क्या CVV है, कार्ड का एक्सपायरी डेट क्या है, उसमें नेम क्या इम्पोज है और जो हम पिन देते हैं, और ये सारे इन्फॉर्मेशन को वो कलेक्ट करके उसको असेंबल करके भेज देता है मर्चेंट के बैंक में। मर्चेंट का बैंक के पास जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है, मर्चेंट का बैंक ये सर्च करता है, ये ऑथेंटिकेट करता है कि ये जो कार्ड है ये कौन सी कार्ड नेटवर्क की है, यानी ये कार्ड वीज़ा की है, मास्टर की है, रुपे की है, अमेरिकन एक्सप्रेस की है, डिस्कवर की है, तो कौन से कार्ड नेटवर्क की ये कार्ड है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि मेरा कार्ड वीज़ा की है। तो जैसे ही मर्चेंट के बैंक को ये पता चल जाता है कि ये कार्ड वीज़ा की है, वो उन सारे इन्फॉर्मेशन का एक फॉर्मेट बना के वो सारे इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर देती है, यानी ट्रांसफ़र कर देती है वीज़ा के पास। वीज़ा के पास जैसे ही वो सारे इन्फॉर्मेशन आती है, वीज़ा फिर ऑथेंटिकेट करती है यानी सर्च करती है कि ये जो वीज़ा की जो कार्ड है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, ये कौन से बैंक ने इशू किया है। जैसे उसे पता लगता है कि ये इस बैंक ने इशू किया है, वो सारा इन्फॉर्मेशन को असेंबल करके ट्रांसफ़र कर देता है उसी बैंक में। उसके बाद फिर वो जो इशुएंस बैंक है, वो इशुएंस बैंक ये ऑथेंटिकेट करता है कि पेमेंट सक्सेसफुल होगा या पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। इसके लिए इशुएंस बैंक सब कुछ वैलिडेट करता है, यानी कस्टमर का अकाउंट में सफिशिएंट फंड है या नहीं है, कस्टमर का अकाउंट चालू है या फिर बंद है, कस्टमर का अकाउंट में कोई इलीगल एक्टिविटी यानी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं चल रहा है, वगैरह वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारे ऑथेंटिकेट करता है। और जब ये ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होता है यानी सब कुछ ओके पाया जाता है, तो उसके बाद इशुएंस बैंक कस्टमर का अकाउंट को डेबिट करके वो पैसा होल्ड कर लेता है और एक कन्फर्मेशन मैसेज भेज देता है वीज़ा के पास। जैसे वो कन्फर्मेशन मैसेज आता है कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, वो फिर उस मैसेज को फॉरवर्ड कर देता है मर्चेंट के बैंक के पास, और मर्चेंट का बैंक फिर इस मैसेज को फॉरवर्ड करता है मर्चेंट के पास। तो मर्चेंट के पास जैसे ही वो अप्रूवल आ जाता है कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, उसके बाद हम अपना कार्ड लेते हैं, सामान लेते हैं और अपना घर आ जाते हैं। तो दोस्तों, इतना सारा प्रोसेस होता है हमारा कार्ड को इंसर्ट करने में, और 2 से 3 सेकंड के बीच ये सारा प्रोसेस होके हमें एक सक्सेसफुल मैसेज देखने को मिल जाता है। उसके बाद 2 से 3 दिन लगता है वो पैसा जो इशुएंस बैंक ने डेबिट करके होल्ड करके रखा था वो मर्चेंट के अकाउंट तक आने में। ये सेम प्रोसेस होता है दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट में भी। जब हम पॉस मशीन में स्वैप करते हैं कार्ड को, तो यहाँ पर पॉस मशीन हमारी कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन को खुद हमारे कार्ड से कलेक्ट कर लेती है, और जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे हमें अपनी कार्ड की डिटेल पेमेंट गेटवे में हमें खुद मैन्युअली एंटर करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको समझ में आ गई कि एग्जैक्टली वो 2 से 3 सेकंड के बीच क्या क्या प्रोसेस होती है, हमारी कार्ड की इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ ट्रैवल करती है, जिसके बाद हमें एक सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी रिजॉर्ट।